नमस्कार। कई बार सोचता हूं कुछ मुद्दों पर खामोश रहूं। जब फिल्म कश्मीर फाइल्स आई थी तो उसमें कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां किया गया था। जो केस स्टडीज आपके सामने पेश की गई थी, मुझे कई लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी है बताया कि ये सचमुच हुआ था। मुद्दा वो नहीं है, मगर इस फिल्म के जरिए कश्मीरी मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, सिनेमा हॉल में जो लोग ये फिल्म देख रहे हैं, जिस तरह की नारेबाजी लगाई जा रही है, और कश्मीरी मुसलमान छोड़िए, मुसलमानों तक को टारगेट किया जा रहा है। यह फिल्म भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक वेपन, एक हथियार बन गई है वोट्स बटोरने के लिए। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए और इस देश की जनता से हकीकत छुपाई गई। यह देश की जनता 1981 से पहले गांधी को नहीं जानती थी, मगर जब रिचर्ड एटनबरो ने फिल्म बनाई उसके बाद जाकर लोगों ने महात्मा गांधी को जाना। यानी कि एक फिल्म को एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा का जरिया बना दिया। अब बॉलीवुड को हथियार के तौर पर पेश किया जा रहा है और मैं आपको एक एक करके मिसाल देना चाहता हूं। दोस्तों, रणदीप हुड्डा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है सावरकर। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वैचारिक चेहरे, उन पर फिल्म बन रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस फिल्म में इस बात का भी जिक्र होगा कि सावरकर ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन चार चार बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी और यह कहा था कि मुझे काले पानी से रिहा कर दो, मैं आपके गुलाम के तौर पर काम करूंगा, आपके वफादार गुलाम के तौर पर काम करूंगा। क्या इस फिल्म में यह भी बताया जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन में जब पूरा देश एक साथ था तब सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे? क्या इस फिल्म में यह भी बताया जाएगा कि आरएसएस ने 50 साल तक अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया था, वो आरएसएस जिसका नाता वीर सावरकर से है? मगर मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों, अचानक क्या हुआ है, जैसे ही कश्मीर फाइल्स को जबरदस्त सफलता मिली है उसके बाद एक झड़ी सी आ गई है ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म्स की। मसलन एक और फिल्म बन रही है जो केरला पर आधारित है। मैंने उसका ट्रेलर देखा और इस ट्रेलर में यह कहा गया है कि यह फिल्म उन ईसाई और हिंदू लड़कियों के बारे में है जिन्हें आईएसआईएस के आतंकवादी अपने गुलाम बना लेते हैं। अगर आईएसआईएस आतंकवादी संस्था भारत में केरल की महिलाओं को गुलाम बना रही है तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू और ईसाई महिलाओं को गुलाम बनाया जा रहा है, मुस्लिम महिलाओं को नहीं? इस फिल्म के प्रोपेगेंडा को समझिए, इससे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। पहली बात, जैसे मैंने कहा, एक बार फिर हिंदुओं और ईसाइयों की यातना का, उनके प्रताड़ना का मुद्दा उठाया जाएगा, आईएसआईएस के बहाने इस्लाम और फिर मुसलमानों पर निशाना साधा जाएगा। और केरल, वहां पर किसकी सरकार है? वामपंथियों की सरकार है। यानी कि केरल और वामपंथियों, उन्हें भी निशाने पर लिया जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इससे पहले बॉलीवुड ने कब साउथ पर इस तरह से फिल्में बनाई हैं? यह तो पूरी तरह से केरल और वहां बसने वाले लोगों की समस्याओं पर आधारित है। यानी कि एक बार फिर प्रोपेगेंडा। कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म आ रही है। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि उसमें भी पूरा नैरेटिव, पूरा प्रोपेगेंडा क्या होने वाला है? कुछ दिनों पहले तानाजी फिल्म आई थी, क्या उसमें भी क्या नैरेटिव, क्या प्रोपेगेंडा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तानाजी पर फिल्म मत बनाइए या पृथ्वीराज चौहान पर फिल्म मत बनाइए, और कश्मीरी पंडितों पर तो जरूर फिल्म बननी चाहिए, मगर आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि सत्ताधारी बीजेपी किन फिल्म्स को समर्थन दे रही है। जब एक सत्ता में बैठी पॉलिटिकल पार्टी फिल्मों को समर्थन देने लगती है, यानी कि वो फिल्में उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं।
कायदे से होना तो यह चाहिए कि आप ऐसी फिल्में बनाएं जिससे सत्ताधारी पार्टी हिल जाए। इससे पहले ऐसी ढेरों मिसालें रही हैं जब सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कई फिल्मों को बैन किया। आंधी, किस्सा कुर्सी का, इन दोनों फिल्मों को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। फिल्में ऐसी होनी चाहिए जिससे सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी हिल जाए। मगर अगर उन फिल्मों से सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी खुश है और उन्हें वोट्स बटोरने की उनकी कोशिश में मदद मिल रही है, उनके प्रोपेगेंडा में मदद मिल रही है, इसका अर्थ साफ हो जाता है। इसका अर्थ साफ है कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए फिल्म बन रही है और समाज को बांटने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा था जब कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि ये जो फिल्म ने जो कमाई की है, क्या आप ये कश्मीरी पंडितों तक पहुंचाएंगे? तो आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? अभी कोई कमाई नहीं हुई है, अभी कमाई तो होने दीजिए। ये फिल्म, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो 200 करोड़ की कमाई पहुंचने वाली है। यह फिल्म बनाई गई थी 15 करोड़ के बजट पर, यह 200 करोड़ की कमाई छूने वाली है, और फिर भी यह डायरेक्टर कहता है कि इतना नहीं कमाया जितना आप सोच रहे हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि आपने अपनी फिल्म में उस वक्त की सरकार पर सवाल क्यों नहीं उठाए? क्योंकि ना जगमोहन पर सवाल उठाया गया, ना इस बात पर सवाल उठाया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो आज पिछले 7-8 सालों से सत्ता में है, उसने कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में पहुंचाने के लिए क्या किया? उस वक्त की जो बीजेपी थी, 90 की बीजेपी, उसने कश्मीरी पंडितों के समर्थन में क्या किया? वो तो वीपी सिंह के साथ सरकार में थे ना, क्या उन्होंने वीपी सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा किया? क्या विवेक अग्निहोत्री ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं अपनी फिल्मों में? नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद साफ है। वो इस फिल्म के जरिए सिर्फ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैं बार बार कहता हूं, कश्मीरी पंडितों का दर्द एक अचूक सत्य है और हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उनकी मदद उनके पड़ोसियों ने नहीं की है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। उस वक्त कश्मीर के अंदर जो बहुमत में मुसलमान था, यह उसका फर्ज था कि वो कश्मीरी पंडितों को संरक्षण देता, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते। मगर हकीकत यह भी है कि उन कश्मीरी मुसलमानों को भी आतंकवादियों ने निशाने पर लिया था, बड़ी तादाद में उन्हें मौत के घाट उतार गया था, और आज भी कश्मीरी मुसलमान जो है उसे टारगेट किया जा रहा है। जब वो काम करने आता है यहां तो उसे टारगेट किया जाता है। एक छोटी सी मिसाल देता हूं, एक ओयो रन होटल में एक कश्मीरी को रूम नहीं मिलता क्योंकि उसके पास आई कार्ड है कश्मीर का। जी हां, ये पूरा वीडियो सामने उभर कर आया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, पूरा वीडियो सामने उभर कर आया है, और इस पर खुद ओयो का क्या कहना है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। We are appalled that this happened. We have taken the hotel off our platform immediately. Our rooms and our hearts are open for everyone always. This is not something that we will compromise on ever. We will definitely check what compelled the hotel to deny check-in. We thank you in bringing this to our notice. Ek hotel ne एक कश्मीरी को रूम देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसके आई कार्ड में यह लिखा हुआ था कि वो कश्मीरी है। इधर एक कश्मीरी को उसके कश्मीरी आई कार्ड की वजह से रूम में जगह नहीं मिली। उधर राजस्थान में एक दलित को कश्मीरी फाइल्स पसंद नहीं आई और उसने कश्मीरी फाइल्स के खिलाफ टिप्पणी की तो उसे मंदिर में बुलाकर उसकी नाक रगड़ी गई। यानी कि अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की तो आलोचना हो ही नहीं सकती, मोदी जी की आलोचना हो ही नहीं सकती, अब फिल्मों की भी आलोचना नहीं हो सकती। हम आखिर क्या बनते जा रहे हैं? मैं क्यों ना कहूं दोस्तों, जो जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ये उसी का प्रमाण है, ये उसी का नतीजा है, और ये प्रोपेगेंडा बढ़ेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूं, इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान। आमिर और शाहरुख पर खास तौर से मौजूदा व्यवस्था ने लगातार निशाना साधा है।
आमिर से बस ये भूल हो गई थी कि उन्होंने कह दिया था कि मेरी पत्नी किरण राव का कहना है कि जो इस वक्त माहौल है देश के अंदर, मैं उससे असुरक्षित महसूस करती हूं और मेरा मन करता है कि मैं अपने बेटे को लेकर बाहर चले जाऊं। ये बात आमिर ने भी नहीं कही थी। नतीजा ये हुआ कि जो एजेंसीज के साथ वो विज्ञापन कर रहे थे उन पर इतना दबाव बनाया गया कि उन्होंने आमिर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हटा दिया। शाहरुख खान, शाहरुख पर बार बार निशाना साधा जाता है। इन्होंने तमाम लक्ष्मण रेखाएं पार कर दी जब इन्होंने शाहरुख के बेटे आर्यन पर निशाना साधा, झूठे केसेस गढ़े गए उनके खिलाफ। मैं ये बात आपके सामने क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 5-6 सालों में हमने एक चीज देखी है कि बॉलीवुड के अंदर जो खान्स का प्रभुत्व था, उनका दबदबा था, वो अब खत्म होता जा रहा है। तवलीन सिंह ने अपने एक ट्वीट में कहा था, पत्रकार तवलीन सिंह ने, कि उनकी मुलाकात एक आरएसएस के नेता से हुई थी और उस आरएसएस के नेता ने कहा था, इन खान्स को तो हम ठिकाने लगाएंगे, ये लोग जो इस वक्त राज कर रहे हैं बॉलीवुड पर, इन्हें हम हटाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये तवलीन सिंह के शब्द हैं जो उन्होंने एक आरएसएस के नेता के बारे में कहा था, और अभी हो भी वही रहा है। बॉलीवुड को हथियार बनाकर प्रोपेगेंडा को आगे किया जा रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि समाज में बंटवारा पैदा होगा। आप अगर लोगों का दर्द उठाना चाहते हैं तो देश के सामने कई और मुद्दे हैं। क्या उन मुद्दों को उठाने की हिम्मत विवेक अग्निहोत्री, रणदीप हुड्डा, विपुल शाह, अनुपम खेर, ये तमाम लोग उठा पाएंगे? है हिम्मत इनमें? है हिम्मत इनमें? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स की हकीकत को छिपाया गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वो बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री आमिर खान, इनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि इन्होंने आपकी आलोचना की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ये मेधा पाटकर के साथ देखे गए थे। आपने उनकी फिल्म को, फना जो नाम थी उनकी फिल्म को, वो गुजरात में दिखाई ही नहीं गई थी। पर जानिया जो गुजरात की हकीकत पर बनी थी, उसका क्या हश्र हुआ था बताइए मुझे। इसलिए प्रधानमंत्री, आपके मुंह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसी चीजें सुन के थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि जो चीजें इन्हें सूट करती हैं, जो इनके प्रोपेगेंडा के हिसाब से जाती है, वो सब सही है, मगर जो भी चीज उसके खिलाफ चले जाए उसके पीछे ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। और जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पहले इन्होंने न्यूज चैनल्स को वेपनाइज किया, हथियार बनाया, गोदी मीडिया बनाया, अब यही हाल बॉलीवुड का होने वाला है। नमस्कार।